प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का कैडर तुरुंडू सरना टोली निवासी 1 लाख का इनामी बातो तोपनो उर्फ बोखा को पुलिस ने उसके ही गांव के बाहर छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया। यह वर्ष 2017 से उग्रवादी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। कामडारा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बातो तोपनो 1 लाख का इनामी उग्रवादी बातो तोपनो तुरुंडू गांव के बाहर आया हुआ है। सूचना पुलिस ने जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने एक छापेमारी टीम का गठन किया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बसिया के नेतृत्व में सोमवार की रात छापामारी की गई। छापामारी से पहले पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब पुलिस बातों के करीब पहुंची तो पुलिस को देखकर बातों भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर बातों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बातों तोपनो उर्फ बोखा बताया। लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे, इसी क्रम में कल शाम में सूचना मिली थी जो 1 लाख का इनामी था बातों पर, तो हमारे क्षेत्र में घूम रहा, तो उसको फिर हमने अभियान बना के उसमें लगातार छापेमारी करके कल शाम 3 बजे उसको गिरफ्तार। इनके पास से क्या क्या अपराध? इनके पास से राइट नाउ कुछ नहीं मिला, पर इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी ये रानिया थाना क्षेत्र में और कामडारा क्षेत्र में इन्होंने कांड दर्ज है इनके नाम पे, जिसके शायद हम लोग इसको देखते हैं। हमला है जिसमें किसकी हत्या? एक इन्हीं के सहयोगी की हत्या थे जिन्होंने इनके बॉडी उठा के इधर उधर कर दिया था। उसी क्रम में घटना का देखते हुए इस पे केस दर्ज किया गया था और जिसमें अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये लगातार रनिया और कामडारा क्षेत्र में एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था, जो जॉन टॉपनो को हम लोग जब जेल भेजे उसके बाद से उसी को देखते हुए हम लोग लगातार इसकी सर्चर लगा रहे थे और कल शाम में हमें सफलता मिली। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।